जंगल है तो कल है, जंगल पर ही जीवन निर्भर है। देवास जिले में लगभग 2 साल पहले खड़े किए नए जंगल अब अपनी जड़ें जमा चुके हैं। ग्रामीणों को जंगल से लाभ मिलने लगे हैं। यही वजह है कि इन जंगलों की अहमियत ग्रामीणों के बीच बढ़ने लगी है और जंगल से उनका जुड़ाव साफ दिखने लगा है। सतवास वन परिक्षेत्र के बोरखेड़ी और कांटाखोड़ के किटोला सलामतपुरा में साल 2020 में लगाए गए छोटे छोटे पौधे अब अपने यौवन की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ ही सालों में इनसे उत्पाद मिलने लगेंगे। जंगल में चारों तरफ वायर फेंसिंग होने से पर्याप्त घास मिलने लगी है, जिससे इलाके के कई गांवों में दुधारू मवेशियों की तादाद बढ़ने के साथ दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी है। महज घास की पर्याप्तता से ही गांवों में आर्थिक उन्नयन की तस्वीर दिखने लगी है। बारखेड़ी से सटे गांव कीटखेड़ी के पशुपालक लीलाधर जाट की इस कहानी से नए जंगल की सफलता का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। जंगल नहीं था जब हमारे पास 3-4-5 भैंस के समथिंग थे, और ये जंगल जब से लगा है, ये प्लांटेशन तार फेंसिंग जाली जब से हुई है, और इसमें हमको जब घास मिलने लगी है, तो जब से हमने 15 भैंसें कर ली हैं। तो इस हरी घास में हमको बाटा भी कम देना पड़ता है, खली वगैरह भी कम खिला रहे हैं, और दूध का बेनिफिट भी ज़्यादा मिल रहा, आमदनी ज़्यादा और खर्चा कम है अब हमारा, इससे हमको बहुत बेनिफिट मिला जंगल से। बोरखेड़ी में उजाड़ पड़े 40 हेक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग ने 40,000 पौधारोपण कर नए सिरे से जंगल तैयार किया है। साल 2020 में रोपे गए पौधे अब पेड़ की शक्ल ले चुके हैं। यहाँ लगभग 96% प्लांटेशन जीवित होकर बेहतर ग्रोथ कर चुका है। साल 2020, 21 और 22 की ये तीन अलग अलग तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि वृक्षारोपण किस तरह सार्थक हो रहा है। सड़क किनारे होने से ये जंगल सैलानियों के लिए भी आकर्षण बना हुआ है। जैव विविधता के साथ वाइल्ड लाइफ की बढ़ती चहलकदमी भी ग्रामीणों के लिए बेहद रोमांचक है। 2-3 साल पहले तो ऐसा लगता था कि यहाँ कोई जंगल ही नहीं है, बिल्कुल भटकारा भट लगता है। जब से प्लांटेशन बनी है और ये तालाब बावड़ी ये जो बनी है, हर तरह का पंछी देखने को मिल रहा है, मोर है, हिरण है, बंदर है। इस जंगल में ऐसा वृक्षारोपण किया गया है जो भविष्य में ग्रामीणों के लिए आजीविका के नए आयाम रचेगा। आंवला, बहेड़ा, तेंदुपत्ता, महुआ, टेमरू, इमली और अन्य उत्पादों से ग्रामीणों की रोजी रोटी के नए रास्ते खुलेंगे। उनकी अगली कई पीढ़ियां इन वन उत्पादों से तरह तरह के रोजगार के अवसर पा सकेंगी। आगे की पीढ़ी के लिए मतलब बहुत भाव हमारा काम खुल गया, खूब नई मतलब नर्सरी लगी है। ये पौधे हमारे बैंक में ही, वो तो एफडी हो ही गया, वो तो हमारी आगे की पीढ़ी के लिए बहुत काम आएगा ना। ये वन विभाग का अमला दिन रात जंगल की हिफाजत कर रहा है। विभागीय अमला फायर प्रोटेक्शन से लेकर नाइट गश्ती तक मुस्तैदी कर रहा है। इस काम में वन ग्राम समिति भी अपना बेहतर सहयोग दे रही है। इसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा श्रमिक रात दिन इसमें सतत गश्त करते हैं। इसके बाद में फायर सीजन में इसके फायर प्रोटेक्शन का काम भी कराते हैं, और वन समिति का पर्याप्त सहयोग है, और इस हम लोग भी इसमें पर्याप्त रात दिन सुरक्षा में जुटे रहते हैं। इसके अंदर हमने रोपण के दौरान रोजगार दिया उन्हें, और रोपण के साथ साथ हमने थाला, निंदाई, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वृक्षारोपण में कराए, जिसके कारण लोगों को इससे इसके साथ इसका जुड़ाव हुआ। साथ में उनको अवेयरनेस हुई, प्लांटेशन को लेके एक जुड़ाव, पर्सनल एक अटैचमेंट हुआ। उसके साथ उन लोगों को ये लगा कि हमारा प्लांटेशन है, हमारा जंगल है। कांटाखोड़ वन परिक्षेत्र के किटोला सलामतपुरा में 40 हेक्टेयर जमीन पर हरा भरा जंगल आच्छादित हो गया है। यहाँ की एरियल तस्वीर देख ऐसा लगता है मानो किसी ने धरती पर मखमली चादर बिछा दी हो। साल 2020 में यहाँ लगाए गए पौधों ने अच्छी खासी ऊंचाई पकड़ ली है। इस साल यहाँ 25,000 बांस के पौधे भी लगाए गए हैं। चारों तरफ कंटीले तारों से जंगल की सुरक्षा किए जाने से पौधों की सही ग्रोथ होने के साथ घास की बंपर पैदावार हो रही है। आसपास के कई गांव खल, बेड़गांव, जबलपुर, इकलेरा आदि के करीब 600 से ज्यादा परिवार अपने मवेशियों के लिए बैलगाड़ियों से निशुल्क घास ले जा रहे हैं। अब तक करीब 60,000 पुले घास निकाली जा चुकी है और लगभग इतनी ही घास और खड़ी है। यकीनन इससे इलाके में दूध क्रांति का नया आगाज होने लगा है। बिना निःशुल्क हम घास ले जाते, काट के रोज मवेशी को खिलाते, रोज दूध बेचते, अब हमको कोई बहुत फायदा हो रही है।
पहले नहीं मिल रहा था चारा, चारा नहीं मिलने के कारण मवेशी नहीं रखते थे, रखते थे तो एक आदि रखते थे, अब मेरे खुद के पास में चार जानवर दूध के हैं, भाई चारा जब मिल रहा तो आदमी को कोई परेशानी नहीं। साल 2020 में जब जंगल लगाया जा रहा था तब यहाँ के लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ जंगल से मिलने वाले फायदे और विभागीय अमले की मेहनत का नतीजा है कि अब लोग खुद इस जंगल को अपना समझने लगे हैं। हर चीज़ मिलती है अपने को, लकड़ी पतरी अगर सब लगा के सभी मिलता है, घास मिलता है, बांस मिलता है, वहाँ आंवला मिलता है, ऐसे सारे महुआ है, ये सब पूरे चीज़ें हमको डिक्लेयर मिलती है जंगल से, और जंगल अगर नहीं बचा तो हमको सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के साथ भी क्या कि जो जंगल के किनारे जो रहते हैं वो भी ख़त्म है। अभी चार साल पहले कुछ नहीं था यहाँ, कोई मैदान कोई दिखते नहीं था वन प्राणी भी, और अब वन प्राणी हम अकेले दो अकेले रहते हैं, जाते हैं तो इधर से इधर कूदेंगे, कहीं इधर जाएंगे कहीं इधर जाएंगे, तो हमको दिखता है और वन प्राणी की व्यवस्था यहाँ अच्छी होगी। समिति सदस्यों को इससे आमदनी होगी तो आर्थिक स्थिति बदलेगी और लोग वाकई अब आगे आ रहे हैं, उनकी सोच बदली है, और इस तरह से सर सुरक्षा में भी ये लोग हमारा सहयोग करते हैं। वन ग्राम समिति और स्व सहायता समूह को आने वाली 2 साल में जंगल से जलाऊ लकड़ी, वन उत्पाद और फल फूल मिलने से आजीविका के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इससे इलाके में होने वाला पलायन भी थमेगा। पर्यावरण में सुधार के साथ जंगल से मिलने वाले आर्थिक लाभ से ग्रामीण विकास भी मुनासिब हो सकेगा। सच्चे अर्थों में ये आत्मनिर्भर भारत की सोच है।